तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई। पावर बीआई में हम बात करेंगे डेटा मर्ज का, अपेंड का, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डेटा को समझते हैं। पास डेटा क्या है? तो सबसे पहले पहला डेटा हमारे पास ये है D1 एंड D2। तो D1 डेटा क्या है कि आईडी जो है हमारा सेम है, और यहाँ जो हमारा मंथ है ये अगस्त तक का था। दूसरे डेटा में हमारे पास सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर का डेटा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे डेटा चाहिए दोनों का कंबाइन, मतलब कि मुझे जो रिपोर्ट बनानी है वो बनानी है जैन से लेके दिसंबर तक, लेकिन दो डेटा मुझे दो अलग अलग लोकेशन पे। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो गेट डेटा में आते हैं फ्रॉम एक्सेल। प्रॉब्लम समझ के ना सर संदीप जी? तो हमने यहां पे दो डेटा को लेता हूं, और क्या इस डेटा को क्यूरी के मदद से किया जा सकता है, या फिर इसका इसको हम नॉर्मल पावर पिवट पे भी कर सकते हैं? तो दोनों डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहां ट्रांसफॉर्म में चले गए। मेरा डेटा पावर क्यूरी पे आ गया। अब ये दो डेटा हमारे पास है, दिख रहा है सर? अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें इसमें एक अपेंड क्यूरी न्यू होता है, दूसरा होता है मर्ज क्यूरी। मर्ज क्यूरी एज ए न्यू होता है, दो चीज है। बट अगर हम मर्ज करते हैं, यहाँ पे मर्ज क्यूरी पे आते हैं पहले, तो मर्ज क्यूरी पे क्या होगा कि मुझे बताना होगा कि D1 और D2, यहाँ पे D1 है D2, राइट? दोनों में हमने बोला कि A जो है एक है, समझ गए? एंड ओके करते हैं। तो यहां पे आप मर्ज क्यूरी में देखा क्या हुआ, D2 से गया चला है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर यहां टेबल 1 आ गया। और सही तरीके से मर्ज नहीं हुआ, नहीं हुआ सही तरीके से मर्ज। एक बार मैं इसको मर्ज को हटाता हूं, मैं D1 पे आता हूं, D1 पे, और यहां पे वापस अपन वापस मर्ज क्यूरी पे आता हूं। D1 और ये हमारा D2 से हो गया, दोनों के बीच में हमारा आईडी का ये रिलेशन क्रिएट हो रहा है। यहां भी आपको दिख रहा है लेफ्ट और राइट और फुल आउटर और रोज एंड बोथ आउट, फुल आउटर मैचिंग रो। लेकिन ये तो रो का हो रहा है, बट हमें तो कॉलम मैच करना है। कॉलम मैच करना है, कॉलम को ऐड करना है, जैसे कि हमें होता है। तो हमने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल, ये हमारा जैन से लेके यहाँ तक आ गया अगस्त तक। ओके, अब D2 में हमने क्या किया, हमें आईडी नहीं चाहिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड ओके आ गया सर, ठीक है? समझ में आया सर? हाँ जी सर। अब मैं इसको लोड एंड क्लोज कर देता हूं। तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, दिख गया सर?
जैसे कि अगर मैं बात करूं, नेम मैंने उठाया, नेम रख दिया, और यहां से मैं जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, मई के बाद, नहीं मई के बाद तो ये आएगा ना, जून, जून जून जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हो गया सर, क्लियर है? हेडर को भी तो चेंज कर सकते हैं, D2 सितंबर, D2 अक्टूबर लिखा हुआ है। अब हेडर को यहाँ चेंज नहीं कर, इसलिए आपको डेटा 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 में में जाना जाएगा। होगा, और ये जो है इसको डबल क्लिक करके चेंज कर लीजिए सितंबर। अब वहां भी पावर क्वेरी में भी चेंज कर सकते थे। ठीक, वहां पे आपका आ गया इस तरह। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो इसमें तो हमने एक काम कर लिया, राइट? बात आती है कि मेरे पास दूसरा यहां पर है। दूसरे में क्या है कि मेरे पास चेंज जो डेटा है कंबाइन करना है मुझे, एक के नीचे एक के नीचे। जैसे पहले मंथ में जनवरी का डेटा है, दूसरे में फरवरी का, बाकी सब कुछ सेम है, हेडर सेम है, बस हमें इसके नीचे कॉपी पेस्ट कंबाइन कंपाइल करना होता है। अगर किसी में कॉलम नेम ज्यादा हो, किसी में कम हो उससे तो। आप सबसे ज्यादा वाले को पहले लिख लीजिएगा, तो ज्यादा होगा वो नीचे नहीं आएगा। ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे लिखा होता है। तो चलिए इसके लिए डेटा को हम वापस इसमें आते हैं, एक्सेल में। जैसे मान लीजिए ना कि सबसे पहले आपने वन बाय वन करते हैं पहले, ठीक है ना, एक साथ नहीं करते हैं। तो जैसे कि पहले आपने जनवरी का डेटा कंपाइल किया हुआ है, ठीक है, हमें लोड एंड ट्रांसपोज कर दिया। पहले आपने जनवरी का डेटा लाया हुआ हुआ है, ओके, इसको आपने लोड एंड क्लोज कर दिया, चलो ठीक है। अब फिर अगले महीने आपका फरवरी का डेटा भी आ गया, तो अगले महीने जो जनवरी का डेटा है उसी के अंदर फरवरी का डेटा डालना चाहते हैं, और जैन का नाम चेंज करके अपडेटा करना चाहते हैं, हर महीने ऐसे ही ऐड होगा। तो उस केस में वापस हम पावर क्वेरी को और उस फाइल को सेलेक्ट करते हैं, और यहां पे हमने फैब का डेटा ले लिया और इसमें चले गए ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में चले गए। तो एक तो हुआ कि मैं जनवरी के डेटा को नेम चेंज करके डेटा बना, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं जनवरी फरवरी रहे, एक नया हो जाए। तो यहां हमारा होता है अपेंड क्यूरी। क्या होता है? तो ठीक है सर, तो यहां हम अपेंड क्यूरी में जो है, एक तो हुआ कि अपेंड क्यूरी आप चलाते हैं या मर्ज क्यूरी चलाते हैं डायरेक्ट, तो क्या होता है कि जो टेबल आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है उसी को क्या कर देगा, फर्स्ट मानेगा। हाँ फर्स्ट, मैं उसी को फर्स्ट मानेगा और उसी को ओवरराइट कर देगा, ठीक है। समझे कि नहीं सर?
एक मिनट दीजिए, तो यहां पे एक ऑप्शन आता है, बाबा इसे भी क्लिक क्यों हो जा रहा है, अपेंड क्यूरी एज ए न्यू, इस पे क्लिक कीजिए, तो मुझे यहां जैन और उसके नीचे फैब रखना है, एंड ओके कीजिए, एंड वन आ गया। अब इसको राइट क्लिक करके रिनेम कर लीजिए डेटा, समझ गए? दोनों डेटा ए ऐड हो गया आपका, जैन का दोनों का डेटा ऐड हो गया, ठीक है? यहां पे लिखा हुआ जैन का, लेकिन अगर अगर फिर हम कुछ दिन के बाद अगर मार्च का डेटा हम इसमें लोड करेंगे तो वो तो फिर डेटा में तो नहीं जाकर के अपेंड टू हो जाएगा। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे मार्च का ले रहा हूँ, ठीक है, मार्च में मैंने इसको मार्च को लिया एंड ओके कर दिया। मैं यहाँ से भी बार बार पावर क्वेरी में जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से डेटा को ऐड कर सकता हूँ। अब डेटा है मुझे मार्च को ऐड करना है, तो यहीं पे आप कॉमा, अभी देख लीजिए कॉल, हाँ सॉरी इसमें मार्च आ गई ना, जैन फेब मार्च दोनों का डेटा आ गया, ऐड हो गया 135 है ना। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं 46 46 46, yes, sir। इसने तीनों डेटा को ऐड कर दिया, जैन फेब मार्च तीनों को ऐड कर दिया। अब लो सर इसे तो 38 हुआ, तो सर तीन डेटा का तीन हेडिंग भी तो गया। हाँ वो तो हेडर होगा, तो यहां से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस ये आपका यहां पे इस तरह से यहां पे, या यहां पे अगर नहीं लिख पा रहे हैं शुरू से करना है और इसको ऐड करना, मैं इसको वो भी तरीका बता देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अपेंड करना है यहाँ पे क्यूरी को, तो यहीं पे अपेंड क्यूरी, तो डेटा सिलेक्ट है, तो किस में अपेंड कर, क्या टेबल टू अपेंड कौन सा करना है, मार्च आ गया। मार्च एड हो, समझ गया सर। और एक ऑप्शन और है कंबाइंड फाइल, ये क्या है? ये फाइल को कंबाइन किया जाता है डायरेक्ट, और ये एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट इसको करना पड़ेगा, इसके लिए डेटा बनाना पड़ेगा उसी हिसाब। अच्छा, दो डिफरेंट फाइल सेव करके उसको कंबाइन कर। तो हमने होम कवर कर लिया और हमने ट्रांसपोज को कवर कर लिया, राइट? अब हम बात करेंगे ऐड कॉलम के बारे में कल की क्लास से, ऐड कॉलम में और उसके जो फॉर्मूले वगैरह हैं उन उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और हम बात इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर क्वेरी। आपने देखा था कि हमने यहीं पे मार्च मार्च टाइप कर दिया था,
एक क्यूरी लिख रहा है, इसमें भी हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, लेकिन एड कॉलम के बाद। ठीक, ओके बाय। ओके बाय।